आज हम बात करने वाले हैं कि विनेगर क्या होता है और इसको फूड्स में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कि विनेगर को बहुत सारे फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, विनेगर एक लिक्विड फॉर्म में होता है और इसका इस्तेमाल फूड्स में किया जाता है। इसका स्वाद खट्टा होता है और फूड्स को खट्टा स्वाद दिलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विनेगर एक प्रिजर्वेटिव भी है, यानी कि परिरक्षक भी है, और इसका इस्तेमाल बहुत सारे खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए एक खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं, जैसे अचार, सॉसेज, चटनीज, केचप्स वगैरह है, तो इनमें भी विनेगर्स का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है और ये 5 से 20% तक हो सकता है। ये एसिटिक एसिड इथेनॉल अल्कोहल से बनाया जाता है। इस इथेनॉल अल्कोहल को शुगर केन मोलेसिस, फ्रूट जूसेस, मैपल सिरप या रूट स्टार्च के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है, और बाद में इस इथेनॉल अल्कोहल को कुछ बैक्टीरिया के साथ डिग्रेड किया जाता है, यानी इसका डिग्रेडेशन किया जाता है, और इससे हमें एसिटिक एसिड और कुछ बायो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इन मिक्सर से एसिटिक एसिड को अलग किया जाता है और बाद में इसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड से ब्लीच किया जाता है, और बाद में पाश्चराइजेशन होने के बाद हमें एसिटिक एसिड मिलता है, और इस एसिटिक एसिड को वाटर के साथ डाइल्यूट किया जाता है या अन्य किसी पदार्थों के साथ डाइल्यूट किया जाता है। यहाँ पर एसिटिक एसिड के साथ कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कौन से टाइप का विनेगर है। देखिए, विनेगर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि डिस्टिल्ड व्हाइट विनेगर, ये सबसे पॉपुलर विनेगर है, साथ ही राइस विनेगर है, व्हाइट वाइन विनेगर है, रेड वाइन विनेगर है, बेल्समिक विनेगर है, एप्पल साइडर विनेगर है, ऐसे बहुत सारे प्रकार हमें विनेगर के देखने को मिलते हैं। तो आपको पता चला होगा कि विनेगर क्या होता है और इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।